हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विथ वन मोर जॉब वैकेंसी फॉर ऑल द सीए इंटर और सीएमए इंटर और एमबीए। देन दिस वैकेंसी इज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आप टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है। ओके, और एक पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगा। ओके, एंड मोर वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट कि अगर आप पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, पीएसयू का, तो जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो रिलेटेड जो सिलेबस होता है, तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल सा एमसीक्यू तैयार किया आप लोगों के लिए। अगर आप कोई भी पीएसयू का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि सीए इंटर सीएम इंटर वाले के लिए बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ था, जैसे आप लोग सुने फॉर्म भरा होगा आईआरईएल जीआरएससी, चाहे अगर बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ था, मतलब इंटर लेवल पे और बीए वाले वालों के लिए। अगर आपने किसी भी पीएसयू का अगर फॉर्म भरा है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। वो एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है। वो एमसीक्यू से अगर प्रिपरेशन करते हो, तो आपका प्रिपरेशन काफी बेहतर हो सकता है। ओके, चलिए बात करते हैं आज का वैकेंसी का। आज हम डिस्कस करने वाले वैकेंसी आया है, कहाँ है, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आया है। ओके, ये देखिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, मतलब एक पीएसयू कंपनी है, इसमें वैकेंसी आया है। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। हाँ, वीडियो का स्टार्ट में बता दूं, वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक करिए, क्योंकि मैं जो वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, जो भी आता है सिलेबस, जो भी आता है, मतलब सिलेबस तो बताता हूँ, मतलब जो भी वैकेंसी आते हैं मार्केट में, जितना भी वैकेंसी मार्केट में अगर आ रहा है, सबसे पहले कौन बताता है, मैं बताता हूँ। अरे कभी कभी तो क्या होता है ना कि जो वैकेंसी आता है सिर्फ मैं ही बताता हूँ। जैसे ये देख लो, ये आपको कोई नहीं बताया होगा, पर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे वैकेंसी ऐसा होता है जो कि सिर्फ मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस वीडियो इस चैनल पे अगर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड वैकेंसी आता है, आपको इसका जानकारी जरूर मिलता रहेगा। ओके, चलिए, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड वैकेंसी है, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। ओके, सो आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वो डिस्कस करते हैं, और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से, वहां से। ठीक है, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन या डिसिप्लिन, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है सीए इंटर या फिर आईसीडब्ल्यू इंटर, मतलब सीए इंटर और सीएमए इंटर और एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, नंबर ऑफ सीट का बात की जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 2 है। ठीक है, और मंथली स्टाइपेंड पर मंथ यहाँ पे 9000 लिखा हुआ है, 9000। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार मार्क देकर के, कि द नंबर ऑफ पोस्ट एज इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो डिक्रीज डिक्रीज और क्या करेगा, दो तो लिखा हुआ है, तो इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब लिखा हुआ कि सब्जेक्ट टू इंटेंटेटिव लिखा हुआ, सब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कुछ भी हो सकता है। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीए इंटर सीएमए इंटर और एमबीए फाइनेंस और पीजी किए हो, अगर आप पीजी डिप्लोमा किए हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो देन यू आर एलिजिबल। ओके, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का बात किया जाए, तो आप फॉर्म भर सकते हो, इसका है 31/7/2022, 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन का बात किया जाए, तो प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी मेरिट बेस्ड, जैसे कि फाइनल सिलेक्शन आपको विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू के हिसाब से लिया जा सकता है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या फिर टेस्ट मटेरियल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, सो वेरियस स्टेप्स, कुछ भी जो उनको बेहतर लगे उसके हिसाब से वो सिलेक्शन कर सकते हैं। एनी कम्युनिकेशन विथ रिस्पेक्ट द कैंडिडेट शैल बी टू द रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको बता दिया जाएगा, कुछ भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना होगा, इन्फॉर्मेशन देना होगा, जनरल कंडीशन जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा। ठीक है, जनरल कंडीशन क्या क्या है, कि कैंडिडेट हु आर अंडरगोइंग या अंडरगोन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट एल्सवेयर आर नॉट एलिजिबल, अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर आप क्यों अप्लाई करोगे, तो उन लोगों के लिए नहीं दिया गया, जो कहीं पे नहीं किए उनके लिए दिया गया। ठीक है, एज लिमिट रखा गया 18 से 28, द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 to 28 एज ऑन 31/3/2022। ओके, एज रिलैक्सेशन इन अपर एज एडमिसिबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, एससी एसटी ओबीसी के जो मिलता है रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे भी मिलने वाला है। कैंडिडेट शुड बी सीए इंटर सीएमए इंटर एमबीए फाइनेंस, दैट आई हैव ऑलरेडी टेल यू। ओके, हाँ, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि
है एंड पास्ट डिग्री इन और आफ्टर, अगर आप 2019 या उसके बाद में पास किए तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पास्ट डिग्री इन और आफ्टर 2019, ओके, इन और आफ्टर 2019 आर एलिजिबल, ओके। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या है, फिर नो एप्लीकेशन फी बिंग चार्ज, कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा। आगे देखिए, कैंडिडेट हैज टू फिल द कंप्लीट फॉर्म एंड सेंड द ओरिजिनल एप्लीकेशन अलोंग विद द सर्टिफिकेट या अटेस्टमेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, को एड्रेस पे भेज देना होगा। ऑल्सो कैंडिडेट में सेंड द स्कैंड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, और जो आप भेजोगे उनके एड्रेस पे वो जो भेजोगे उसको आप स्कैन कर लेना और उसको इस मेल आईडी पे भी भेज देना अप टू द लास्ट डेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। नो टीएडीए विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, जनरल मैनेजर एचआरडी टीसी, ये एड्रेस दिया हुआ है ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आपको भेजना है और जो भेजोगे उसको आप स्कैन करके इस मेल आईडी पे भी भेज देना, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये रिलेवेंट हो सकता है वो भेजोगे, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा सी ए इंटर सी एम ए इंटर, तो उसको आप स्कैन को भी भेज सकते हो, उसका जीरोक्स भेज सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो मेनी ऑफ द कैंडिडेट जैसे सी ए इंटर वाले सी एम ए इंटर वाले जिससे कि उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है, तो अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के हिसाब से भी तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पी एस यू में अगर आप काम करोगे काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ओके। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी पी एस यू एग्जामिनेशन देन यू कैन परचेस माई एम सी क्यू, ओके। गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल द थिंग्स, फ्रॉम देयर यू कैन सी कि एवरी थिंग आर मैंशन कि आपको परचेस कैसे करना है एंड हाउ मच एम सी क्यू विल गेट, कैसे प्रिपरेशन करना है, एवरी थिंग आर मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम देयर यू विल सी एवरीथिंग, ओके। एंड एट एम सी क्यू यू कैन परचेस एट ओनली ₹500, ओके। सो वीडियो यहाँ तरह थे, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।